अहम अपडेट आपसे शेयर करें। बताएं कि कराची साइड एरिया प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई। आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ़ हैं। कराची साइड एरिया प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई। आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ शमील अहमद से। शमील, आग किस तरह लगी है ये भी बताइएगा, क्या वर्कर्स अंदर मौजूद हैं? जी देखिए, आज सुबह आग लगी है एक साइड एरिया में, फैक्ट्री है प्लास्टिक बनाने की। इसमें आई शादी का कहना है कि फैक्ट्री के हिस्से से धुआं उठा महसूस हुआ, उसके बाद फायर ब्रिगेड को तलब किया गया, जहां इब्तदाई तौर पर 3 फायर ब्रिगेड भेजे गए थे, लेकिन इस वक्त मजबूरी तौर पर 7 फायर स्टेशन फायर टेंडर जो है वो यहाँ काम कर रहे हैं, जबकि आग की जो लगने की वजूहत है वो अब तक सामने नहीं आई है। जब तक की आग पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं होता, ये वजूहत सामने आ भी नहीं सकती है। जी शमील, फायर ब्रिगेड हुकाम से आपकी कोई बात हो सकी है, क्या बता रहे हैं, आग पर कब तक काबू पा लिया जाएगा? जी देखिए, अभी आग में मजीद जो शिद्दत है वो बड़ी है, और इसके टाइम के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि प्लास्टिक बनाने का कारखाना है, और न सिर्फ कारखाना बल्कि इसके आसपास गोदाम भी है, जिसकी वजह से आग की शिद्दत में इजाफा भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इस पर काबू कब तक पाया जा सकता है। जी ठीक है, कराची साइड एरिया प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई। आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ़ हैं। वाटर कॉरपोरेशन सखी हसन क्रश प्लांट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स को बाहर निकाल लिया गया है। आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। शमील अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।